कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मीवी के अंदर हम लोगों ने पहले तो 350 देखा था, अभी हम लोग मीवी के अंदर देखने वाले हैं 550 के अंदर, H550। तो इसका किस टाइप का साउंड क्वालिटी है और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, बार का, बूफर का, क्या साइज रहने वाला है, स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो के अंदर हम लोगों को बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं करते, तो एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। तो इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसे निकलने वाला है और क्या चीज है, साउंड क्वालिटी भी क्या है, इसका भी हम लोग आपको एक रिव्यू देंगे। तो चलिए देखते हैं। वजन की बात करें तो बहुत ही हैवी है, बूफर का जो एवरेज है वो काफी हैवी है, बॉक्स का भी काफी हैवी है। अभी निकाल के देखते हैं बॉक्स में। तो ये सब हमें मिलने वाला है, एक रिमोंड है और स्केल है, वारंटी और कुछ मैनुअल रिमोंड, रिमोट के सेल भी साथ में आते हैं और ये अपने लैपटॉप कंप्यूटर या एलईडी जोड़ने के लिए। तो ये इसके अंदर साउंड बार भी आते हैं, इनका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मेन आते हैं हम बूफर की बारी करते हैं, बूफर का क्या साइज रहने वाला है इससे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन आते हैं अपने बूफर पर, बहुत ही हैवी है, बहुत ही हैवी, वेट में भी बहुत हैवी है, अब बजने में किस टाइप का है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही भारी वजन है मान के, 10 किलो के आसपास इसका जो वेट है वो आराम से होगा। यहाँ पे भी उसी की तरह है, बहुत ही शानदार एक प्रीमियम ऊपर का देख रहा है जैसे अपने 350 में था, और यहाँ पे भी साइड डिस्प्ले होगी, देखते हैं ऑन करके और पीछे हमें क्या मिलता है वो भी देखते हैं। ये तो सारे हैं स्पीकर के हैं, ये पे ऑप्टिकल इनपुट है, USB है, HDMI है और ये अपने ऑक्स वाले हैं, ये ऑप्शन जो ऑक्स इसके साथ में आ रहा है, ठीक है। पीछे का इस टाइप का लुक का डिजाइन है और आगे का यहाँ का स्पीकर है। अब इसका हम लोग साइज है वो आपको मेजर करके बता देता हूँ। स्पीकर का जो साइज है वो करीब करीब 10 इंच के आसपास स्पीकर है और इसकी हाइट देखें ऐसे तो यहाँ पे 15 इंच मिल जाती है और आगे की जो फ्रंट साइज देखें 8 इंच के आसपास मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप ऐसे लंबाई देखना चाहते हो स्पीकर के साइड से ऐसे लंबा कितना है तो वो भी मैं आपको बता दूँ, 15 इंच ऐसे लंबा है। ये तो रही अपने बूफर की बात, अब अपने बात आती है बार की, जो साउंड बार आता है इसका, इसका क्या साइज रहने वाला है तो इसका भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये साउंड बार आप देख रहे हो काफी प्रीमियम है, वेट में इतना भारी नहीं दिखाई दे रहा है जितना आप देख रहे हो, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है वो दे रहा है और यहाँ पे भी अच्छी फिनिशिंग है वो दे रहा है। यहाँ से आप इसको कहीं पे भी दीवार पे है वो फिट कर सकते हो। और रही बात इसके साइज की, तो इसका साइज अपने मेजर करते हैं, ऐसे लंबाई लें तो करीब करीब ये पड़ता है 35 इंच के आसपास, और ऐसी इसकी बात करें तो करीब करीब है ये 3 इंच, और ऐसे अपने बात करें तो 4-4.5 इंच के आसपास है, ऐसा लंबा है। बाकी इसके जो छोटे वाले स्पीकर हैं इनका साइज भी अपने नापे तो ये आता है वैसे 7.5 इंच का, और ऐसे नापे तो 3 इंच का, ठीक है। तो ये दो स्पीकर आते हैं इसके अंदर, एक मैंने यहाँ पे रख दिया और एक आप ये देख पा रहे हो। इनके भी जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम क्वालिटी है, हाथ में लेने से ही आपको पता चल रहा होगा, बहुत ही शानदार है। इसको भी आप कहीं पे दीवार पे वो हैंग वो कर सकते हो।
तो ऑल ओवर हम लोगों ने इसका रिव्यू देख लिया है। अब बात करते हैं अपने इसके साउंड की क्वालिटी की, इसका जो साउंड है वो हमें किस टाइप का दिखने वाला है और किस टाइप का प्रीमियम क्वालिटी हमें वो मिलने वाली है। जो 350 के कंपेरिजन में 550 ले तो प्राइस भी आपको जब भी बिग मिलियन सेल के अंदर लेते हो तो अच्छी प्राइस भी मिल जाएगी आपको, ज़्यादा हैवी प्राइस नहीं है तो आप खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप बजा के देखते हैं कि इसका ऑल ओवर रिव्यू है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, जो अपना बूफर है अगर इसमें कलर दे रखे हैं उस कलर के हिसाब से आपको इसमें डालना है। तो मैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाला कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया, रेड वाला कलर है वो रेड में डाल दिया और वाइट वाला कलर है वो मैंने वाइट में डाल दिया। फिर रही बात इन छोटे छोटे स्पीकरों की, उनको भी हम लोग लगा देते हैं। ये ऑल ओवर रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसको बजा के आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए बजाते हैं। ये शेल के साथ में आते हैं शरीर में अपने लगाते हैं। बाकी रिमोंड की बात करूं तो भैया पहले के कंपैरिजन में रिमोंड है वो इतना अच्छा नहीं है, बेकार है। रिमोंड की क्वालिटी अपने देखें तो कुछ खास नहीं है, आप देख पा रहे हो जैसे नोकल जो टीवियां आती है वैसा रिमोंड इनको दिया हुआ है। बाकी बटन इसके फुल और अनेक्स करने के लिए अच्छे हैं, बट लुक वाइज अच्छा नहीं है। अब इसकी हम लोग है वो जो साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करने वाले हैं, तो किस टाइप की क्वालिटी रहने वाली है, प्रीमियम या नॉर्मल, हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बेटर क्वालिटी नहीं है पर आवाज जितनी भी आ रही है वो एकदम क्लियर है, ऐसे नहीं कि आवाज फट रही है, बेस भी ठीक ठाक है। तो आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।